हरियाणा की कैथल की मंडियों में एक बार फिर से धान की आवक तेज हो गई है। गेहूं बिजाई का कार्य पूरा होने के बाद किसानों ने जो धान का स्टॉक कर घर पर रखा हुआ था, अब किसान मंडियों में लेकर आ रहे हैं। पिछले करीब एक सप्ताह से धान के भाव में भी काफी उछाल आया है। हालांकि बासमती के भाव में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई थी। मंगलवार को जहां भाव 4400 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे, वहीं बुधवार को 250 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव कम भी हुए थे। 4260 रुपए के भाव से बासमती के भाव किसानों को मिले थे। वहीं धान 1121 के भाव में भी कमी आई थी। एक दिन पहले 3950 रुपए भाव थे, वहीं 50 रुपए भाव कम हुए हैं। 1509 के भाव 3200 रुपए प्रति क्विंटल, मुच्छल के भाव 3600, एक दिन पहले 3750 तक भाव मिले थे। हालांकि पीआर धान के भाव अभी भी कम ही मिल रहे हैं। दीपावली के बाद बासमती धान की आवक शुरू हुई थी। शुरुआत में 3800 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिले, इसके बाद धीरे धीरे तेजी आई। पिछले सप्ताह 4000 से ज्यादा का भाव भी मिला था। तीन दिन पहले भाव 4200 रुपए प्रति क्विंटल के करीब था। राइस मिलरों के अनुसार यूरोपियन देशों में बासमती के चावल की डिमांड बढ़ने के कारण भाव में तेजी आई हुई है। दूसरा, लोकल मार्केट्स में भी इस चावल की डिमांड रहती ही है। बासमती का चावल खुशबूदार व मिठास वाला होता है। पकने के बाद चावल के दाने का साइज भी लंबाई में दूसरी किस्मों के धान की बजाय ज्यादा लंबा हो जाता है। यही कारण है कि इस धान के भाव दूसरी किस्मों से ज्यादा किसानों को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।